हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशेट तोरण पट्टी का नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत ही आसान डिज़ाइन है ये तोरण पट्टी का। जो नए सीखने वाले हैं क्रोशेट, वो भी इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और सुंदर डिज़ाइन है ये तोरण पट्टी का। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब की वजह में जो बेल आइकॉन है, इसे प्रेस करना मत भूलिए। इससे क्या होगा, मेरे जो नए नए वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए सीखते हैं ये तोरण पट्टी कैसे बनानी है। इसके लिए मैंने लिया है 50 ग्राम ग्रीन कलर का वुल। क्रोशे हुक है मेरा 1.75 mm का। पहले हमें स्लिप नॉट बना के लेनी है, उसके बाद 90 चेन्स बनानी है। 19 चेन्स हमें बनानी है। नाइन्टी चेन्स मेरी बना के हो गई। अब जो हमारा 60 नंबर का चैन है, उसमें हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। उसके बाद आगे के जो सारे चैन्स हैं, उसमें हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। पहले 3 चैन्स का और आगे के 16 डबल क्रोशेट, टोटल 17 डबल क्रोशेट हो जाएंगे हमारे। सारे चेन्स के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। देखिए, सारे चेन्स के ऊपर मैंने एक एक डबल क्रोशेट बना लिए। इस तरह से हमारे टोटल 17 डबल क्रोशेट हो गए। अब हमें 3 चेन्स लेनी है और टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के जो 3 डबल क्रोशेट हैं, इनके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। एक, दो और तीन। पहले 3 चेन्स का और आगे के 3 डबल क्रोशेट, टोटल 4 हो गए। हमें एक चैन लेना है, आगे का एक डबल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद का जो डबल क्रोशेट है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से हमें एक चैन लेना है, आगे का एक डबल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद का जो डबल क्रोशेट है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से हमें एक चैन लेना है, आगे का डबल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद का जो डबल क्रोशेट है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से एक चैन लेना है, आगे का एक डबल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद का जो डबल क्रोशेट है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से हमें एक चैन लेना है, आगे का एक डबल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद के जो 4 डबल क्रोशेट हैं, इनके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। एक, दो, तीन और ये 4। 4 डबल क्रोशेट के ऊपर हमने 4 डबल क्रोशेट बनाए। हमारा दूसरा लाइन कंप्लीट हो गया। अब हमें 3 चेन्स लेनी है और टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के जो 3 डबल क्रोशेट हैं, इनके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। एक, दो और तीन। पहले 3 चेन्स का और आगे के 3 डबल क्रोशेट, टोटल 4 हो गए। अब हमें
एक चैन लेना है, आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है, एक चैन लेना है, आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। नेक्स्ट जो गैप है यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से हमें एक चैन लेना है, जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। एक चैन लेना है, आगे के जो चार डबल क्रोशेट हैं इनके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। एक, दो, तीन और ये चार, चार डबल क्रोशेट के ऊपर हमने चार डबल क्रोशेट बना लिए। इस तरह से हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट हो गया। अब हमें एक, दो और तीन, तीन चेन्स लेके टर्न करना है। आगे के जो तीन डबल क्रोशेट हैं इनके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। एक, दो और तीन, पहले तीन चेन्स का और इसके आगे तीन डबल क्रोशेट, टोटल चार हो गए। अब हमें एक चैन लेना है, आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशेट बना के लेना है। नेक्स्ट जो गैप है वहाँ पे हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है, उसके आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। एक चैन लेना है, आगे का जो डबल क्रोशेट स्किप करना है, उसके बाद का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। इसके बाद का जो गैप है यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। एक चैन लेना है, आगे के जो चार डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। एक, दो, तीन और चार, चार डबल क्रोशेट के ऊपर हमने चार डबल क्रोशेट बनाए। इस तरह से हमारा ये चौथा लाइन कंप्लीट हो गया। अब हमें एक, दो, तीन, तीन चेन्स लेके टर्न करना है। आगे के जो तीन डबल क्रोशेट हैं इनके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। एक, दो और तीन, पहले तीन चेन्स का और आगे के तीन डबल क्रोशेट, टोटल चार हो गए। अब हमें एक चैन लेना है, आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। एक चैन लेना है, जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है हमें स्किप करना है, उसके बाद का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। आगे का जो गैप है यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। एक चैन लेना है, आगे का डबल क्रोशेट हमें स्किप करना है, इसके बाद का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। एक चैन लेना है, आगे के जो चार डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। एक, दो, तीन और ये चार, चार डबल क्रोशेट के ऊपर हमने चार डबल क्रोशेट बना लिए। इस तरह से हमारा ये पांचवा लाइन कंप्लीट हो गया है। तीन चेन्स लेनी है, टर्न करना है, आगे के तीन डबल क्रोशेट के ऊपर हमें तीन डबल क्रोशेट बनाने हैं। एक, दो और तीन, पहले तीन चेन्स का और आगे के तीन डबल क्रोशेट, टोटल चार हो गए। एक चैन लेना है, जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। एक चैन लेना है, आगे का डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। एक चैन लेना है,
नेक्स्ट डबल क्रोशेट स्कीप करना है, उसके बाद का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है, एक चैन लेना है, आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है, फिर से एक चैन लेना है, आगे के जो चार डबल क्रोशेट हैं इनके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाना है, एक, दो, तीन और ये चार। इस तरह से हमारा ये लाइन भी कंप्लीट हो गया है। तीन चेन्स लेनी है और टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के जो तीन डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाना है, दूसरा हो गया और ये तीसरा, पहले तीन चेन्स का और आगे के तीन डबल क्रोशेट, टोटल चार हो गए। एक चैन लेना है जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है, एक चैन लेना है, आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है, नेक्स्ट जो गैप है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब ये तीसरा लाइन हमारा यहाँ पे रिपीट हो रहा है, देखिए जो तीसरा लाइन है यही हमें यहाँ पे रिपीट करना है, आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है, एक चैन लेना है, आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है, एक चैन लेना है, आगे के जो चार डबल क्रोशेट हैं इनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाना है, एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब जो सेम पैटर्न हमें रिपीट करते जाना है, अब जो चौथा लाइन है ये हमें यहाँ पर रिपीट करना है, एक, दो, तीन, तीन चेन्स लेके टर्न करना है, आगे के तीन डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक ही डबल क्रोशेट बनाना है, पहले तीन चेन्स का और आगे के तीन, टोटल चार हो गए। एक चैन लेना है जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, आगे का जो गैप है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, इसके बाद का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक चैन लेना है, आगे का डबल क्रोशेट स्किप करना है, उसके बाद का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है, जो नेक्स्ट गैप है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक चैन लेना है, आगे के चार डबल क्रोशेट के ऊपर हमें चार डबल क्रोशेट बनाने हैं, दो हो गए, ये तीसरा और ये चौथा, चार डबल क्रोशेट के ऊपर हमने चार डबल क्रोशेट बना लिए। सेम पैटर्न आगे हमें रिपीट करते जाना है, जितनी आपकी डोर की साइज़ है उतना आपको ये पैटर्न बना के लेना है, ये सेम लाइन्स हमें रिपीट करती जानी है और ये तोरण पट्टियाँ हमें कंप्लीट करना है। जितनी आपकी डोर की साइज़ है उतने आपको लाइंस बना के लेनी है। देखिए इस तरह से हमने ये सारी लाइंस कंप्लीट की हैं। सेम लाइंस हमें रिपीट करनी है, चार चार लाइंस हमें सेम रिपीट करते जानी है। इस तरह से हमारी ये तोरण पट्टी कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आपके कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिए। थैंक यू।